प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा रखने का काम पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया था और श्रमिकों के सम्मान में 1 मई को बोरे दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोरेबासी दिवस नहीं मनाने की बात कहकर श्रमिकों का अपमान किया है। देखिए, बोरेबासी खाना, तीज त्यौहार मनाना और बोरा त्यौहार मनाना, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, लेकिन जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने इसको जिंदा रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते साथ इसको हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहती है। निश्चित रूप से 1 मई को मजदूर दिवस है। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मजदूर भाई बहनों को, सभी लोगों को हम लोगों ने अपील कर रहे कि भले ये सरकार मजदूर दिवस को मजदूर न माने, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा में मजदूरों का आत्मसम्मान दिल में है, इसलिए कल सभी फिर से बोरेबासी खाकर अपना फोटो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप में शेयर करें, ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है। ये सरकार मजदूरी की सरकार नहीं, ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, ये सरकार युवाओं की सरकार नहीं, ये सरकार इससे साबित होता है कि मजदूर दिवस को बोरेबासी का विरोध कर सीधा सीधा ये सरकार उद्योगपतियों को इशारा कर रही है और ये सरकार सीधा सीधा उद्योगपतियों की सरकार है। श्री बैज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने पर कहा कि खड़गे जी का हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहता है। 10 साल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो तो दिखा दें। उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी की मंशा है।